This is question number 5 of exercise 6.2. As you can see in the given figure, DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR. We have to prove that EF is parallel to QR. Class, अगर आपको EF और QR को parallel लाना है, तो somehow PE upon EQ equal होनी चाहिए PF upon FR. अगर आप ऐसा कर पाए, तो converse of BPT से आप लिख सकते हैं. तो ध्यान दीजिए क्लास, सबसे पहले triangle है POQ. POQ में DE parallel to OQ, ये हमें given है. BPT लगाइए इसमें. Triangle है POQ और DE parallel to OQ हमें given. बोलो. PD upon. Shalin try करना. Triangle POQ में DE parallel to OQ given है. BPT लगाओ. PD upon. PD upon. DO is equal to PE upon EQ. Very right. ठीक है, आप try कीजिए, कुछ नहीं होगा, ज़्यादा ज़्यादा wrong ही होगा. I'll help you out in correcting. तो इस तरीके से BPT लगाने और D बेटा ऐसे बनाया करो, थोड़ा सा कल D में बड़ी confusion होनी थी मुझे, right? तो ये आ गया DE parallel to OQ से. आप ध्यान से देखिए, दूसरा triangle है POR. POR triangle के अंदर DF, ये D लिखा है मैंने, DF parallel to OR है. BPT लगाइए इसमें, गरिमा आप लगाइए. ट्रायंगल है POR और DF parallel to OR है. बोलिए. PD upon DO equal to very right PF upon FR. ठीक है, सिंपल BPT लग रही है, क्वालिटी भी नहीं लग रही इसमें. अगर आप 1 और 2 को अब इक्वेट करेंगे क्लास, तो ध्यान से देखिए, अगर आप 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड इक्वल होगी, यानी कि आ जाएगा PE upon EQ equal to आ जाएगा PF upon FR, right? PE by EQ आ गया हमारा PF by FR. अब इसके बाद बेटा यही सेम चीज़ यहाँ पर मैं स्टेप लिख रहा हूँ कि पूरा ट्रायंगल ले लो, इसे नंबर 3 दे दीजिएगा आप, राइट? अब पूरा ट्रायंगल मैंने लिया PQR. इस पूरे ट्रायंगल में मुझे बताइए, अगर PE by EQ इक्वल आ गई है PF upon FR से, इसे अभी हमने प्रूव अबव किया था, by 3 बोल सकते हैं आप, अगर PE by EQ आ गई है PF by FR, तो कौन सी दो लाइन पैरेलल होंगी? EF parallel to QR, very right. कौन सी थ्योरम से? BPT या converse? Converse of BPT, very right. ठीक है, तो by converse of BPT, by converse of BPT आप कह सकते हैं EF is parallel to QR, hence proof. जब मैं बेटा पूरे ट्रायंगल की बात करता हूँ ना PQR, फिर तुम्हें ये DE, OQ, OR, DF ये नहीं नजर आनी चाहिए, पूरा ट्रायंगल नजर आना चाहिए और सिर्फ EF parallel to QR नजर आना चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाओगे, right? एक और क्वेश्चन में प्रॉब्लम बताइए स्टूडेंट्स ने, क्वेश्चन नंबर 7. ये भी बाकी जो क्वेश्चन है उनके वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं. अब 7th क्वेश्चन आपके लिए मैं रीड कर रहा हूँ. Exercise 6.2, class 10th NCRT. Using theorem 6.1, यानी कि using BPT, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. तो class theorem 6.1, यानी कि BPT हमें use करनी है. एक triangle बना लीजिए ABC, जिसमें D और E जो है वो distinct points हैं, right? D और E distinct points हैं. कह रहा है BPT यूज करके ये बताइए, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, वन साइड ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, और ये भी पैरेलल गिवन है, और आपको प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड को. तो गिवन देखिए ध्यान से, गिवन है ट्रायंगल ABC में D एंड E आर एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. Distinct points on sides AB and AC respectively. और क्लास ये भी गिवन है कि AD जो है वो DB के बराबर है, और ये भी गिवन है कि DE parallel to BC है. तो
तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है AE और EC जो है वो बराबर है, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। शालीन, ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल टू BC हमें गिवन है, क्या आप BPT लगाएंगे इसमें? बोलिए। वेरी राइट, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। BPT का दूसरा नाम थेल्स थ्योरम भी होता है, इसकी फुल फॉर्म बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पहले समझ लीजिए, आपको काफी टाइम मिलेगा नोट करने के लिए, समझ लीजिए अच्छे से। तो AD बाय DB आ गया हमारा AE बाय EC, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए बेटा। अब आपको पता है AD किसके इक्वल था? AD DB के इक्वल था, ये दिया हुआ था। तो AD की जगह आप क्या लिख सकते हैं? DB लिख सकते हैं, राइट। तो DB से DB कैंसिल कीजिए, वी हैव 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, AE और EC बराबर आ जाएंगे, ठीक है। क्लास यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि उसने बोला था कि अगर मिड पॉइंट है और DE पैरेलल टू BC है तो वो सामने वाली को भी बाइसेक्ट करेगी, मतलब AE और EC बराबर होने चाहिए, वो मैंने कर दिया। एक क्वेश्चन और मैं बताना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 10th है, क्वेश्चन नंबर 9th और 10th दोनों सेम है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 10th के बारे में बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10th सेज द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट AO / BO इज इक्वल टू CO / DO, वी हैव टू शो दैट इट इज अ ट्रेपेजियम। तो बेटा जो भी इन्होंने बोला होता है ना कि ट्रेपेजियम प्रूव करना है, तो पहले से ट्रेपेजियम बना लो, पहली बात। तो फिलहाल ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है, कोई भी चार साइड जैसे मर्जी ज्वाइन हो जाएंगी क्वाड्रिलेटरल ही बनाएंगी, गिवन है। क्वाड्रिलेटरल का नाम है एबीसीडी और इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O। ध्यान दीजिए, इसके जो डायगोनल्स हैं ये O पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट भी नहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और क्लास हमें एक चीज और गिवन है कि AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन OD, ठीक है, CO बाय OD ये हमें गिवन है। ये ध्यान रखिए शालीन, इसमें ना एक ऑल्टरनेटो प्रॉपर्टी लगती है बेटा, और हमें प्रूफ करना है ABCD ट्रेपेजियम है। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बगैर इसके होनी, वैसे इसे ये चार भाई होते हैं, इटालियन है, ऑल्टरनेटो, इनवर्टेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो। पर अभी आप बस इतना समझ लो, ऑल्टरनेटो ये कहता है ये BO CO की जगह चला जाएगा, CO BO की जगह, ठीक है। मैथमेटिकली वैसे इसके चार नेम है, जब मैं 9th में था तब ये इस पर बेस्ड अभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इसमें ऑल्टरनेटो लगा देते हो, अगर ऑल्टरनेटो नाम भी याद ना रहे तो बस ये ध्यान रखना कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा, राइट। आप ध्यान दीजिए, और प्रूफ करना है एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, तो बता सकते हैं क्या प्रूफ करना है? ये क्या होता है भाई ट्रेपेजियम, एक क्वाड्रिलेटरल कब ट्रेपेजियम कहलाता है? जब अपोजिट पेयर ए पैरेलल हो, तो ए बी और डी सी को पैरेलल प्रूफ करना है आपस में। ध्यान दीजिए, एक कंस्ट्रक्शन भी करनी है इसमें, 9th और 10th दोनों में सेम ही कंस्ट्रक्शन होती है, अगर आपने 9th किया तो ध्यान होगा। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ ईओ पैरेलल टू ए बी, कई बार स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर कंस्ट्रक्शन में लिख लो ईओ पैरेलल टू ए बी और ईओ पैरेलल टू सी डी, उन्हें कंपेयर कर लो तो आ गया AB पैरेलल टू CD हो गया। ऐसे कर सकते हैं? ऐसे नहीं कर सकते, राइट। कंस्ट्रक्शन में सिर्फ आप एक ही चीज मान सकते हैं। फिलहाल ये जो मैंने ऑल्टरनेटो लगाया ना बेटा, इसे इक्वेशन नंबर 1 दिया है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बड़े ध्यान से देखना, मैंने EO पैरेलल टू AB लिया है, तो पहला ट्रायंगल मैं ले रहा हूं DAB। DAB ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, और DAB में EO पैरेलल टू AB ये बाय कंस्ट्रक्शन है। समर ट्राई करोगे पीपीटी लगाने की? लगानी ऊपर से है, यहाँ से ऊपर से लगानी, क्योंकि यहाँ मैंने बीओ बाय ओडी लिखा हुआ। बोलो शालीन, आप ही ट्राई करो,
ट्रायंगल है डीएबी बेटा, ईओ पैरेलल टू एबी है और ऊपर से लगानी है क्योंकि यहां देख बीओ बाय ओडी आ रहा है ना, फिर कंपेयर हो जाएगा वरना एक स्टेप बढ़ जाएगा। बोलो सिर्फ डीएबी पे फोकस करो, ईओ पैरेलल टू एबी पे फोकस करो, बीओ अपॉन ईओ अपॉन ओडी वेरी राइट इक्वल टू, ये देखो ना बीओ अपॉन ओडी इक्वल टू AE upon ED, very right, Garima, good, BPT लगाओ ऐसे, ठीक है, ये लगाइए हमने BPT, ये हो गई equation number 2, class अब ध्यान से देखिए, मैंने शालीन देखो ऐसे नहीं बोली, DO upon OB वरना एक step बढ़ जाता, reciprocate करना पड़ता, वो जो reciprocal होता है ना उसी को invertendo कहते हैं वैसे, anyways, अब 1 and 2 से equate कीजिए class, ये RHS, RHS बराबर आ रही है, तो left hand बराबर आएगी, मतलब AO by CO, equal to आ गया AE by ED। अब ये देखिए AO by CO मतलब OC equal to AE by ED, बिल्कुल बढ़िया। अब आप मुझे बताइए कौन सा ट्रायंगल में लग रही है, चलो ट्रायंगल का भी नाम मैं बता देता हूँ, आप बस ये बता देना कि कौन सी दो लाइंस पैरेलल हो गई। ट्रायंगल का नाम है ACD, ट्रायंगल ACD में अगर AO upon OC equal to AE upon ED है तो बताइए कौन सी दो लाइन पैरेलल होगी। सिर्फ ट्रायंगल एसीडी नजर आना चाहिए और कुछ नहीं नजर आना चाहिए। ट्रायंगल एसीडी में ए ई अपॉन ईडी इक्वल टू ए अपॉन ओसी है तो वेरी गुड, ईओ पैरेलल टू सीडी किस थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, ठीक है ना, ये चीज है। इसे नंबर 4 दे दो बेटा, और कंस्ट्रक्शन को कुछ दिया नहीं था नंबर, चलो 5 दे दो, ठीक है, और 4 और 5 को कंपेयर कर लोगे तो क्या आ जाएगा, AB पैरेलल टू CD आ जाएगा। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट पेयर पैरेलल हो तो उसे क्या बोलेंगे, ये सिंपल ट्रेपेजियम है। एक और भी होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, पर उसमें AD और BC बराबर होती है, नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती है, ये एक सिंपल ट्रेपेजियम है, ठीक है। ओके क्लास, दिस वाज अबाउट the remaining questions of 6.2. Thank you.